सो एफर्ट ऑफ द यूट्यूब एस ओआईसी चैनल इज टू कवर एज मेनी इंडस्ट्रीज एज पॉसिबल वाइल वी आर कवरिंग दिस इंडस्ट्रीज वन थिंग डैट यू मस्ट कीप इन माइंड डैट समीज इंडस्ट्रीज विल बी वेरी स्ट्रक्चरल नेचर जहाँ पे स्ट्रक्चरल ग्रोथ आते रहेगी एंड काफी सारी इंडस्ट्रीज साइक्लिकल इन नेचर रहेंगी जहाँ पर ग्रोथ आएगी फिर बस्ट तो होगा फिर ग्रोथ आएगी फिर बस्ट तो होगा तो आज हम जिस इंडस्ट्री को पढ़ने लगे इट हैज साइक्लिकलिटी अटैच टू इट बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है तो प्रोजेक्ट ड्रिवन रेवेन्यूज बहुत होते हैं सो बिफोर स्टार्टिंग द इंडस्ट्री एनालिसिस Hopefully, जो पूरी इस वीडियो को देख रही है आपको ये समझ आता है एंड एज रिकमेंडेशन आर ओनली पर्पज इज टू कवर दीज इंडस्ट्रीज विद यू सो दैट वी कैन बेसिकली स्टडी इंटरेस्टिंग बिजनेस जहाँ पे इस टाइम पे काफी फास्ट ग्रोथ आ रही है विदार्टिली डिस्ट्रिक्ट

जिसकी वजह से दिस इंडस्ट्री एज स्टार्टेड फ्लरिशिंग राइट नाउ तो पहला की क्रिटिकल पॉइंटर क्या है इज डैट की इंडिया इज होम टू अबाउट 17 परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन मानी इंडिया वर्ल्ड की 17 परसेंट पॉपुलेशन है बट हैज़ ओनली फोर परसेंट ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर इंडिया में सिर्फ फोर परसेंट ही फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है सेकेंड की पॉइंटर टू रियलाइज है Ki per capita water availability is around 1100 cubic meters against globally recognized threshold water stress of 1700 cubic meters per person. So India can almost 30 to 40% lower per capita availability of water hai as per globally recognized water stress measures. Mane India is a water stressed country. Third key pointer is ke, that Niti IO predicts 21 cities will face groundwater shortage by 2030, affecting nearly 100 million people. सोगेन दिस इज़ वन ऑफ द डायल इनारियोज कि डे जीरो करके एक कॉन्सेप्ट है डे जीरो इज़ अ कॉन्सेप्ट जब सिटीज़ के अंदर पानी ख़त्म हो जाए राइट? Right? तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो भी आप पानी यूज़ करें अगर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है सो डैट इज़ नोन एज डे जीरो एंड विदाउट वाटर देर इज़ नो लाइफ तो नीति आयोग प्रेक्ट करती है कि ट्वेंटी वन सिटीज़ विल फेस सिवियर ग्राउंड वाटर शॉर्टेज एंड फाइनली एक और की पॉइंट रखे जो मेरे जो हमें यहाँ पे करना है इज़ डैट इन ड्रॉट प्रोन एरियाज और इन सम ऑफ द एरियाज वे दे इज लेस वाटर जैसे महाराष्ट्र की बात करें पूरा पंजाब की बात करें तो वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड पैडी आर ग्रो इन दी स्टेट्स माना अगर आप शुगर केन दे, देखेंगे तो महाराष्ट्र का ट्वेंटी टू परसेंट लाइक इंडिया का जो शुगर केन प्रोडक्शन है महाराष्ट्र में होता है एंड पंजाब में चावल की फार्मिंग बहुत होती है इनस्पाइट ऑफ बींग वेरी वाटर डिफिशियंट स्टेट दीज टू स्टेट्स कंटिन्यू ग्रोइंगज क्रॉप्स तो इस ट्रेंड से क्या है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वाटर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वाटर कैसे बिकॉज हमारा लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में तो इनडायरेक्टली इंडिया से वाटर एक्सपोर्ट हो रहा है एंड फॉर अ ग्रोइंग नेशन जैसे हम मैनुफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं सो लॉट ऑफ दीज न्यू एज इंडस्ट्रीज चाहे हम की बात करें सेमी कंडक्टर्स की बात करें सो लॉट ऑफ़ दिज इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर सो दिस इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग दिस इंडस्ट्री टू तो वाटर इंडस्ट्री की डिस्कशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं बिकॉज दिस इज अ गवर्नमेंट डिपेंडेंट सेक्टर कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स करी है विच इज़ द रीजन वाई दिस सेक्टर इज ग्रोइंग सेकेंडली हम लोग डिस्कस करेंगे इज दैट इस इंडस्ट्री की वैल्यू चेन क्या है कौन कौन इंडस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेंट्स है फिर हम जितने भी इंडस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं उन बिजनेस का रिक्बाइड डिस्कशन करेंगे कौन कौन सा बिजनेस किस पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में एंड देन फाइनली वी गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो विद दिस लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट कि गवर्नमेंट का यहां पे पॉलिसी लेड इनिशिएटिव क्या है सो वन इट कम्स टू वाटर अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया तो गवर्नमेंट का अगर हम केपेक्स देखते हैं बजट के अंदर कितना एलोकेट किया तो एफ आई ट्वेंटी टू में गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट नाइन्टी टू नाइनटी वन थाउजेंड करोड्स का केपेक्स एलोकेट करा टूवर्ड्स वाटर एफ आई ट्वेंटी थ्री के अंदर गवर्नमेंट ने एटी टू टू एटी थ्री थाउजेंड करोड का केपेक्स एलोकेट करा टूवर्ड्स ए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनली एफ आई ट्वेंटी फोर के अंदर गवर्नमेंट ने वन पॉइंट जीरो सेवन लाख करोड़ का अमाउंट एलोकेट कराया फॉर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर अब गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं एंड सम ऑफ दी स्कीम्स आर लेड टू अ लॉट ऑफ ग्रोथ फॉर द इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स दैट इज समथिंग दैट वी मस्ट रियलाइज तो फर्स्ट स्कीम का क्या नाम है दैट इज अ जल जीवन मिशन तो जल जीवन मिशन का क्या पर्पज है एक बार हम ये जानते हैं so, तो जल जीवन लेकिन जो मिशन है इसका पर्पज़ क्या है बेसिकली जो भी आपके आ, इस परवमेंट का थ्री पॉइंट सिक्स लाख करोड़ कौन है राइट एंड प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल हाउस होल्ड एट अ कैपैसिटलीस्ट फिफ्टी फाइव लीटर्स पर कैपिटल डे बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सो so, इसकी जो जो बेसिकली इस इसके अंदर क्या है कि जो टैप वाटर कनेक्शन हैं तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो ट्वेंटी नाइनटीन के अंदर टैप वाटर कनेक्शन वर बियरली ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट टूडे द टैप वाटर कनेक्शन हैव क्रॉस सेवेंटी फोर परसेंट सो दिस इज़ वन ऑफ द स्कीम्स विच द मोदी गवर्नमेंट इज हैज़ बीन डूइंग एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ दैट अटैड लेट टेलविंट्स फॉर द इंडस्ट्री बिकॉज अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर फंडस ड्रॉन बाई स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज देखते हैं तो इस स्कीम के अंदर नाइन थाउजेंड नाइन यूनियन टेरेटरीज और स्टेट्स ने विद्रा करा था फंड ट्वेंटी 2023 2024 में यूनियन टेरेटरीज एंड स्टेट्स ने ऑलमोस्ट सिक्सटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेल्व करोड्स केस पास विदड्रॉ करें फॉर बेसिकली स्पेंडिंग ऑन पाइप वाटर सेकेंडली अगर आप देखते हैं तो सेकेंड स्कीम है टेट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पी एम के एस वाई सो अगेन दिस इज अ स्कीम डेट वॉट स्टार्टेड इन ट्वेंटी फिफ्टीन एंड एक्सटेंडेड टेफ आई ट्वेंटी सिक्स वाटर एफिशियंसी इन इरीगेशन एन रेस कल्टिवेबल एरिया इसके साथ साथ अगर हम स्कीम्स देखते हैं तो अनदर स्कीम डेट वज लॉन्च वॉज द अटल मिशन फॉर बेसिकली रि ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और अमृत के नाम से इसको हम कहते हैं स्कीम को तो ये ट्वेंटी फिफ्टीन के ना लॉन्च हुई थी और अमृत टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन से लॉन्च हुई थी सो बेसिकली स्कीम का क्या पार्ट है कि फोकस ऑन बेटर सैनिटेशन वाटर यूज एफिशियंसी वटर मैनेजमेंट एंड जितना भी सीवेज कैपेसिटी ट्रीटमेंट है उसको इंक्रीज करने का इस स्कीम के अंदर इनिशिएटिव लिया गया था एंड फाइनली एक और अगर हम स्कीम देखते हैं डेट इज अटल दैट इज अटल भूजल योजना और अटल जल दिस वॉज लॉन्च लॉन्च इन ट्वेंटी ट्वेंटी एंड इसका एम क्या था बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज तो जो भी हम गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ देखते हैं तो गवर्नमेंट स्कीम्स का मेजर एम क्या है डेट इज टू प्रोवाइड लाइक टैप वाटर टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड्स सेकेंड एम क्या है बेसिकली इंडिया uh, के अंदर अभी भी पाइप डेरीगेशन नहीं है राइट right? तो पाइप डिरीगेशन इज समथिंग जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अंदर इस पर बहुत केपेक्स होएगा थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट केपेक्स हैज़ बीन डैट इज़ ऑन सैनिटेशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अभी भी डिस्पोज ऑफ हो जाता है जो भी वेस्ट वाटर ट्रीट होके आते हैं एंड अगेन वेस्ट वाटर कैन भी यूज फॉर अ लॉड ऑफ परपजस सो दिस इज वेय द गवर्मेंट हैज बीन स्पेंडिंग मनी तो गवर्नमेंट तो मनी स्पेंड कर रही है विच इज़ क्रिएटेड टेलवेंट्स फॉर दिस सेक्टर और टेलवेंट्स का एक स्मॉल एग्जाम्पल देता हूँ तो डी आई पाइप जो डक्टाइल आयरन पाइप्स हैं डक्टाइल आयरन पाइप्स प्लेयर्स के अंदर जो लिस्टेड स्पेस के अंदर है कुछ कुछ कंपनीज़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है डेट इज गॉन अप अपू टू फाइव टाइम्स इवन टेन टाइम्स दट इज अ अमाउंट ऑफ टेलवेंट्स बीग क्रिएटेड फॉर द इंडिविजुअल प्लेयर्स तो इन सारे प्लेयर्स को समझने से पहले हम इंडस्ट्री का वैल्यू चेन समझते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर है कौन कौन तो अगर हम वाटर इंडस्ट्री को देखते हैं इंडिया में तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ईपीसी कंपनीज़ होंगी जिसको हम लाइक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ कहते हैं तो बाद बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अंडरटेक करके कंस्ट्रक्शन करती है डिज़ाइन करती है प्लानिंग करती है फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज हैं सो दीज आर कंपनीज़ हु आर बेसिकली हु आर बेसिकली सेटिंग अप प्लांट्स फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर देन दे आर कंपनीज हु आर इन वाटर केमिकल्स तो वाटर केमिकल uh, जो वाटर के ट्रीटमेंट के लिए केमिकल्स लगता है उसके अंदर कंपनीज़ हैं

तो यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर्स आते हैं एंड देन वी विल डू अ लाइक डीप डाइव इनटू ईच एंड एवरी सब सेक्टर तो अगर हम ईपीसी पी प्लेयर्स के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर आर कंपनीज़ आर लिस्टेड लाइक वेल्सम एंटरप्राइजेज वी ए वाबाग एन सी सी ओम इन्फ्रा ई लिमिटेड एल एंड टी एन सीमेंटेशन एंड ई पी लेट मी रिमाइंड यू इज़ दैट काफ़ी रिस्की बिजनेस हैं क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल थोड़ा स्ट्रेच रहता है तो यहाँ पे हम इन कंपनीज की ऑर्डर बुक देखेंगे देखेंगे किस किस टाइप के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट के अंदर वी एटेक वाबाग आयन एक्सचेंज त्रिवेणी इंजीनियरिंग और ई एम एस लिमिटेड आता है फॉर ईज ऑफ एनालिसिस अनालिसिजम ईपीसी प्लेज और वाटर ट्रीटमेंट को एकमा एक क्लब कर देंगे डक्टाइल आयरन पाइप्स में इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग जय बालाजी इंडस्ट्रीज जिंदल सॉफ वेल्सम कॉरपोरेशन एंड शाम मिटाइक जैसी कंपनीज आती हैं एंड फाइनली जब हम कैपिटल गुड कंपनीज का डिस्कशन करेंगे या वाटर पंप्स का डिस्कशन करेंगे सो हेल देर आर कंपनीज लाइक डब्ल्यू पी आई एल जांच इंजीनियरिंग थर्मैक्स एंड किर्लोस्कर ब्रदर्स सो दीज विल भी द सब सेक्टर्स विल बी एनालाइजिंग इन दाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री एनालिस और जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस जो भी ये इंडस्ट्री एनालिसिस की वीडियो करें इसका जो पूरा फाइनेंशियल मॉडलिंग का शीट है एनएस इंडस्ट्री का आप कैसे स्टेज एनालिसिस कर सकते हैं दैट इज समथिंग विच इज अ कंक्लूजन विडियो दैट वी एव इंक्लूडेडेडेडेडेड इन द एसओ आई सी कोर्स बिकॉज आर पर्पज इज टू मेक स्टूडेंट्स लर्न की फाइनेंशियल मॉडलिंग आप कैसे कर सकते हैं स्टेज एनालिसिस आप इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट डिफरेंट इंडीसीज का कैसे कर सकते हैं एंड कैसे आप ऑब्जेक्टिवली अपनी खुद की एग्जिट स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं सो इन द एस ओवासी कोर्स वी नॉट ओनली टीच यू अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग वी ऑल्सो टीच यू अबाउट थिंग्स लाइक कि एक कंपनी का इंटरेंसिक वैल्यू कैसे निकालें एक कंपनी या इंडस्ट्री की फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे करें एक सेक्टर या फिर एक कंपनी का स्टेज एनालिसिस कैसे करें जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है फिर बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज को कैसे ढूंढें जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ रही है या फिर ऐसे बिजनेसेस जो अभी स्क्रीनर के अंदर बहुत स्ट्रांगली स्कैन होके आ रहे हैं सो ऑल दीज थिंगस आर पार्ट ऑफ वन एस ओ आई सी मैंबरशिप एंड इफ यू वॉन्ट टू रजिस्टर फॉर द एस ओ आई सी मैंबरशिप यू कैन यूज़ अ कुपन कोड एस ओ आई सी 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 बोनस टेन विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ अर लाइव संडे क्लासेस एवरी ऑल्टरनेट संडेज वी मीट स्टूडेंट्स एंड डू लाइव क्लासेस एंड साथ ये जो कंक्लूजन वीडियो है हमारे यूट्यूब लाइक बिजनेस एनालिसिस की दैट वी ऑल्सो पोस्ट अंडर एस ओ आई सी मेबरशिप विच टीचर्स स्टूडेंट की डिफरेंट इंडेक्सिस का या कंपनीज का स्टेज एनालिसिस कैसे करें एंड कैसे इंडिपेंडेंटली वो डिफरेंट कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ का फाइनेंशियल मॉडल खुद बना सकते हैं विद दिस लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डक्टाइल आयरन पाइप इंडस्ट्री से तो जब हम डक्टाइल आयरन पाइप इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वट आर डक्टाइल आयरन पाइप तो डक्टाइल आयरन पाइप्स अगर आप देखते हैं तो क्या इनका बेसिक यूसेज क्या होता है तो अगर आपने ब्लैक कलर के राउंड पाइप्स देखे हो रोड्स के ऊपर या सिटीज़ के अंदर जिनमें से वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है सो दोज़ आर टिपिकली नोन एज डक्टाइल आयरन पाइप्स एंड डक्टाइल आयरन पाइप्स का नियरली जो हंड्रेड परसेंट यूज केस है दैट इज़ इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पाइप विच इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग आयरन और लम्ब्स एंड जो आयरन और लम्ब्स होते हैं उनसे पिग आयरन बनता है एंड पिग आयरन से डक्टाइल आयरन पाइप बनता है डक्टाइल आयरन पाइप की जो लाइफ है इट हैज अ लाइफ स्पैन इन एक्सेस ऑफ हंड्रेड ईयर्स एट बीन एस्टिमेटेड तो मोर देन हंड्रेड ईयर्स का भी इनका लाइफ स्पैन हो सकता है एंड डक्टाइल आयरन पाइप्स का प्राइमरी पर्पज़ क्या है डैट इज फॉर पोर्टेबल वाटर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो वाने जो पोर्टेबल वाटर का ट्रांसफर लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है दट इज़ वेयर डक्टाइल इलायरन पाइप्स आर यूज्ड तो डक्टाइल इलायरन पाइप्स या डी पाइप्स जिसको हम कहते हैं तो इंडिया के अंदर सम ऑफ द लार्जेस्ट अगर हम देखते हैं कि सम ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज़ कौन सी है इसके अंदर तो फर्स्ट कंपनी हमारे पास यहाँ पे जो आती है डट इज़ द कंपनी बाय द नेम ऑफ इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग की जो कैपेसिटी आज ऑलमोस्ट सिक्स लाख एटी थाउजेंड टन के आसपास की है सेकंड कंपनी हमारे पास जहाँ पे आती है दैट इज अ कंपनी बाय द नेम बाय द नेम ऑफ जय बालाजी इंडस्ट्रीज जिसके आज टू पॉइंट फोर लाख टन की कपैसिटी है वेल्सपन कॉर्प की ऑलमोस्ट फोर लाख टन की कपैसिटी है जिंदल सौ की टेन लाख टेन पॉइंट वन लाख टन की कपैसिटी है जिसमें से जिंदल सौ की सेवन पॉइंट फाइव टू एट लाख टन की कपैसिटी इंडिया में बाकी कपैसिटी अबू ढाबी के अंदर है तो इस इंडस्ट्री के अंदर क्या टेलमेंट आ रही हैं कि जल जीवन मिशन के अंदर ऑलमोस्ट तो सिक्सटी थाउजेंड करोड़ का एक्सपेंडिचर था इन एफ आई ट्वेंटी फोर एंड जल जीवन मिशन के अंदर वन ऑफ द मेजर बेनिफिशरीज आर कंपनीज विच आर इन टू द डक्टाइल आयरन स्पेस एंड इसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग टेलमेंट्स हैं इस डैट जब हम पाइप uh, इरीगेशन की बात करते हैं सो दीज आर विच गेट एन लॉड ऑफ टेलमेंट आउट ऑफ इट तो ये तो हमने देखा कि इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से मेजर प्लेयर्स हैं अगर हम इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग इज द लार्जस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दिस पाइप ऑफ इंडिया अगर हम बेसिक इंडस्ट्री स्ट्रक्चर की बात करें एंड इसके बाद अभी इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी वाटर प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे हो रहे हैं एंड क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर वाटर प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे हो रहे हैं तो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज ऑल्सो पिकिंग अप एंड इवन कंपनीज लाइक जिंदल सॉ हैव फैसिलिटीज़ इन मिडिल ईस्ट इज वेल थर्ड की फैक्टर के इस इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बारे में कि जितने भी लिस्टेड प्लेयर्स हैं हैव स्टार्टेड मेकिंग हायर मार्जिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कास्टिंग के प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिनस देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड दिखेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के अंदर ओवर द लास्ट थ्री फोर क्वार्टर्स बहुत ही एक मेजर एक्सपेंशन है मेजर एक्सपेंशन क्यों है बिकॉज इस टाइम पे डिमांड इज आउट पेसिंग द सप्लाई बिकॉज डिमांड इज आउट पेसिंग द सप्लाई अ लॉर्ड ऑफ दिस प्लेयर्स आर मेकिंग हायर मार्जिनस एंड हायर मार्जिनस कितना बना रहे हैं तो अगर आप इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग की कॉन कॉन से देखते हैं तो ऑन एन एवरेज बैड सीनारी गुड सीनारी इन कंपनीज के क्या मार्जिन होते हैं तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखते हैं तो ऑन एन एवरेज इन कंपनीज का जो मार्जिन है वो ट्वेल्व रुपीज़ ई पर किलो के आस है मैंने पर किलो ट्वेल्व रुपीज़ का जो ई ये कंपनीज बनाती है बैड सिनेरियो में दीज कंपनीज में टेन रुपीज़ के आसपास काफ़ी बैड सिनेरियो में नाइन रुपीज़ तक भी गया हुआ है वेराज इन गुड सिनैरियोज जैसे आज जो सिनेरियो आई थिंक क्वार्टर थ्री एज बीन द गुड वन जो क्वार्टर थ्री से इनका ये सिनेरियो आने लग गया कि पीथ प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ये जाते हैं जब ये जाना स्टार्ट हुए हैं तो दीज कंपनी स्टार्ट मेकिंग एटीन रुपीज़ ई पर किलो जो आज इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के केस पे हो रहा है नक्रॉस द इंडस्ट्रीज टाइम पे हो रहा है सो दिस इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक जो आपको समझना पड़ेगा तो दिस इज़ अ टेंडर ड्रविन इंडस्ट्री एंड क्योंकि टेंडर ड्रीविन इंडस्ट्री है तो इसमें साइक्लिकालिटी ऑफ प्रॉफिट्स आएगी एंड प्रॉफिट्स हो सकते हैं दो तीन साल अच्छा करें फिर आप पाँच छः साल खराब करें फिर दो तीन साल अच्छा करें फिर पाँच छः साल खराब करें क्योंकि वन टाइम अगर आपने पाइप वाटर पहुंचा दिया जगह तो उसके बाद आपका कैपेक्स वापस नहीं होएगा फिर आपका पाइप डिरीगेशन में होगा या बाकी जगहों में होगा तो ये इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक आपके लिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पे रिस्क है यहीं पे अपॉर्चुनिटी है क्योंकि केपैक्स इस टाइम पर इस इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है सेकेंडली अगर हम इस इंडस्ट्री का नेचर समझते हैं कैरेक्टर्स समझते हैं कि इस टाइम पे क्या हो रहा है इज़ डैट कि अगर हम लिस्टेड प्लेयर्स के अंदर वेल्समैन कॉर्प का डिस्कशन करते हैं तो वेल्समैन कॉर्प का ऑलमोस्ट फिफ्टीन टाइम्स ग्रोथ हुई है डी आई पाइप्स के uh, बिजनेस के अंदर फ्राम इन क्यू टू एन क्यू थ्री एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर बिकॉज इनकी एक्सपेंडेड कपैसिटीज़ अब यहाँ पे आई हैं एंड मैनेजमेंट या कॉन कॉल में मैंशन भी करिए कि नेक्स्ट फोर टू फाइव ईयर्स के अंदर डी आई पाइप्स के अंदर काफ़ी सॉलिड ग्रोथ रह सकती है बिकॉज दे आर थिंकिंग डट द डिमांड विल भी हायर दें सप्लाई फिफ्थ well, पॉइंट में देखते हैं जय बालाजी इंडस्ट्रीज सो दिस हैज बीन अ स्टॉक विच हैज़ बीन ऑन एब्सोल्यूट टेयर मतलब ऑलमोस्ट ट्वेंटी वाई हो चुका है स्टॉक दे हैव टेन परसेंट मार्केट्स एड इन 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 डी आई पाइप एंड देआर एविंग टू डबल देयर मार्केट शेयर तो ये भी और केपैक्स कर रहे हैं एंड फाइनली इंडस्ट्री इंडिया के अंदर इस टाइम में थर्टीन टू फिफ्टीन परसेंट पर ग्रो कर रही है एंड यूरोप के अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटी है इंडियन डी आई पाइप के अंदर बट उसके, उसके बावजूद भी चाइनीज डी आई पाइप पे ज्यादा एम्प एंटी डंपिंग ड्यूटी है तो यूरोपियन प्लेयर्स के अगेंस्ट इंडियन प्लेयर्स आर वेरी कंपटिटिव तो यहाँ अगर आप इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग की में देखेंगे तो उन्होंने ये बताया कि यूरोप के अंदर क्योंकि एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ गए एंड गैस प्राइसेस आर टू टू थ्री टाइम्स ऑफ वॉट दे वर इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन प्री दू प्री यूक्रेन वॉर सो वट इज हैपन इज दैट अ लॉट ऑफ दीज डी आई पाइप कंपनीज आर गेटिंग बेनिफिट्स इवन एक्सपोर्टिंग टू यूरोप फिर मिडिल ईस्ट इज क्लोजर टू इंडिया तो वहाँ पर भी एक्सपोर्ट स्टार्ट कर रखे इन कंपनीज ने एंड फाइनली दीज कंपनीज आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग टू अफ्रीका तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग केस पाई पाई के, के केस में ऑलमोस्ट सिक्सटीन परसेंट इनका जो रेवेन्यू है एक्सपोर्ट से आता है डी आई में जय बालाजी इंडस्ट्रीज के केस में आई थिंक ऑलमोस्ट अभी टेन परसेंट के आसपास आता है बट दिस आर सम ऑफ द फैक्टर्स टू कंसिडर एंड जिंदल साह ने तो एक अबू डाबी में प्लांट ही लगा रखे टू केटर टू दूटर टू द मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखते हैं तो एट और नाइन मेजर प्लेयर्स एंड इस इंडस्ट्री के अंदर इवन टाटा मेटालिक्स इज वन ऑफ द की प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री बट दिस इज अ ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक इंडस्ट्री की इंडस्ट्री के अंदर है क्या क्या तो अगर हम इस इंडस्ट्री में एक्सपेंशन प्लान देख दें तो वेस्पन कॉर्प का एक्सपेंशन प्लान है ऑलमोस्ट टू लाख फिफ्टी थाउजेंड टन का विच इज नियरली सिक्सटी परसेंट ऑफ देयर इंटायर टोटल इंस्टॉल्ड कपैसिटी इन डी आई पाइप एट द मोमेंट जिंदल सौक का एक्जाम्पल लेते हैं तो जिंदल सौक का अभी कोई एक्सपेंशन प्लान डी आई पाइप्स में पब्लिकली अवेलेबल नहीं है वेराज अगर हम इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग का देखते हैं तो इनका एक्सपेंशन प्लान है टू लैख फिफ्टीन थाउजेंड टन का एंड कपैसिटी सिक्स एट्टी थाउजेंड टन की है सो ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट आउट का एक्सपेंशन प्लान है मेरा जब हम जय बालाजी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंशन प्लान ऑलमोस्ट टू लाख फोर्टी थाउजेंड टन से वन लाख एटी थाउजेंड टन से कपैसिटी और बढ़ा रहे विच इज़ इक्वल इन टू सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट फर्दर एक्सपेंशन डेट दिस कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन सो दिस इज द एक्सपेंशन प्लान ऑफ दिस कंपनीज मेरा अगर आप इन कंपनीज का ईबिटा मार्जिनस भी देखते हैं तो ई मार्जिन में आपको देखेगा कि आई थिंक हाईस्ट ईबिटा मार्जिन अभी इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के बिकॉज वेल्सपन के अंदर बाकी बिजनेसिस भी हैं एंड जय बालाजी का भी इबटा मार्जिन क्वार्टर फोर का थर्टी नॉट परसेंट के आसपास आया बिकॉज आई थिंक दे ऑल्सो है द फेयर ऑल आई बिजनेस सो दिस इज विद द प्रोफिटेबिलिटी एंड एक्सपेंशन प्लान ऑफ दिस बिजनेसिस अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द एंटी थीसिस पॉइंटर विद इन द डाई पाइप इंडस्ट्री तो जब हम एंटी थीसिस पॉइंटर्स देखते हैं इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े एंटी थीसिस पॉइंटर के पहला एंटी थीसिस पॉइंटर इस इंडस्ट्री का क्या है यहाँ पे कि इफ द गवर्मेंट इफ द गवर्मेंट रिड्यूस इट स्पेंडिंग ऑन केपैक्स दिस इज द इंडस्ट्री विच विल गेट इम्पैक्टेड द मोस्ट तो ये तो हमने पास्ट में देखा हुआ है पहले जैसे श्री कलाशती पाइप के नाम से एक कंपनी होती थी एंड इलेक्ट्रो सील कास्टिंग भी तब थी तो आई थिंक अभी उन्होंने कंपनी को अक्वायर कराए तो बेसिकली uh, तब इनके मार्जिनस बहुत लो होते थे बिकॉज इंडस्ट्री में इतनी डिमांड नहीं थी सेकंडली सेवेंटी सिक्स परसेंट ऑफ रूरल हाउस होल्ड हैव रिसिव टैप कनेक्शन तो अगर सेवेंटी सिक्स परसेंट ऑफ रूरल हाउस होल्ड ने टैप कनेक्शन रिसीव कर लिया तो क्या जल जीवन मिशन के अंदर अभी भी उतना की होएगा नहीं होएगा दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट रिमेनिंग टू बी सीन बिकॉज ऑन एन एवरेज डी आई पाइप्स की जो लाइफ है फिफ्टी टू हंड्रेड टू वन फिफ्टी ईयर्स भी रह जाती है कभी कभी थर्ड की पॉइंटर क्या है कि इट्स वन टाइम कैपिटल गुड सेल एज लाइफ ऑफ डी आई पाइप्स इज रियली लॉन्ग राइट फोर्थ की एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है कि ओवर कैपेसिटी इन दी इंडस्ट्री इफ इट गेट्स क्रिएटेड तो इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि अब सब केपेक्स कर रहे हैं तो कई इंडस्ट्री में ओवर कैपेसिटी ना हो जाए फिफ्थ की पॉइंटर रखे है कि इज गुड लाइक ओ पी वी सी पाइप्स कैन ऑल्सो पिकअप तो ओ पी वी सी ओ पी वी सी पाइप सिक्सटी परसेंट चीपर है डी आई पाइप्स से बट कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं आया अभी तक बिकॉज uh, uh, अभी uh, इंडिया में फर्स्ट लाइन्स अभी अपोलो ने लगाई है आई थिंक तीन ए पी अपोलो पाइप्स ने लगाई है थ्री ओ पी वी सी पाइप्स की लाइन्स लगाई इन्होंने एंड फाइनली मार्जिन हैव इंक्रीज टू अबव एवरेज इन लास्ट क्वार्टर फॉर दिज कंपनीज़ तो मार्जिन अबव हिस्टोरिकल एवरेज क्वार्टर थ्री के अंदर फॉर दिज दीज कंपनीज हैव गॉन even though the top line growth for these companies looks really good at the moment, thereby electro steel casting so they're riding for almost 200 to 250 basis points margin expansion in fi 25 also, so the so full fi 24 ka margin will be 2 to 25 percent q margin expansion or expect kar rahe. but whether these will be the peak margins for next 10 years after uh, next good financial year, that is one of the questions which an investor has to study independently and answer themselves. एंड बिकॉज इट्स अ साइक्लिकल इंडस्ट्री तो साइक्कल इंडस्ट्री में आपका एग्जिट सिस्टम बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव एंड थॉरो होना चाहिए दैट इज अट इज वट वी टीच इन एसओ आई सी 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 मेम्बरशिप ऑल्सो विद लेट्स गो टूवर्ड्स अ नेक्स्ट इंडस्ट्री एनालिस अब हम ई पी सी इंडस्ट्री की बात करते हैं एंड ई पी सी इंडस्ट्री में समझने से पहले हम ये देखते हैं जब हम वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर ई पी सी की बात करते हैं तो यहाँ पे टिकली टिपिकली थ्री टू फोर टाइप्स के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो कौन कौन से थ्री टू फोर टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं वाटर ई पी सी में तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर डिसिनेशन प्रोजेक्ट्स मैंने जो सी वाटर को यूज़ करने के लिए फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसिस दैट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट इज डी सेलिनेशन सेकेंड इज ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स राइट थर्ड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स एंड या फिर साथ साथ एस प्लांट प्रोजेक्ट्स तो जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं डेट इज जो भी सी जो सीवरेज वेस्ट आती है वेस्ट वाटर आता है उसको ट्रीट करने के प्रोजेक्ट्स रहते हैं राइट सो दीज आर फोर और फाइव मेन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड एक, एक इरीगेशन प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और डैम प्रोजेक्ट्स भी होते हैं

तो इसके अंदर अगर हम एन का एग्जाम्पल लेंगे तो इट्स अ प्योर ई इन दिस अगर आप आई टी डी का एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे ई हो जाती है अगर आप कंपनीज़ लाइक ई लिमिटेड का एग्जाम्पल लेंगे तो कंपनीज़ लाइक ई लिमिटेड आर ऑपरेटिंग इन टू द जो पाइपलाइन होती है उनका जो इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनिंग फेज है उसके अंदर काम कर रहे हैं वेर आज वेन यू डिस्कस अबाउट कंपनीज़ लाइक वेल्स वन इंटरप्राइजेज और वी ए टे वाबाग तो वी ए टेक वाबा और वेल्प वेल्स वन एंटरप्राइजेज हेम प्रोजेक्ट्स और बी ओ टी प्रोजेक्ट्स में भी काम करते हैं हैम प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं डेट इज़ हाइब्रिड एनटी मॉडल तो हाइब्रिड एन मॉडल क्या होता है एंड बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर क्या होता है कि हाइब्रिड एन मॉडल के अंदर आप एसिड बनाते हैं एसिड को अपनी बैलेंस शीट में लेते हैं एंड आप उस एसिड को ऑपरेट करते हैं उससे एनटी इनकम कमाते हैं एंड फाइनली एसड को डाइवेस्ट कर देते हैं सो डैट इज द अम मॉडल बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर क्या होते हैं कि आप एसिड को बिल्ड करते हैं फिर आप एसिड को ऑपरेट करते हैं और फिर आप फाइनली एसिड को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ बिजनेस तो अगर आप वी ए टेक वाबाक हो गया या फिर अगर आप वेल्समन इंटरप्राइजेस की बात करते हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करते हैं सो दो अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज विच फॉलो इंटू दिस कैटेगरी ई पी सी प्रोजेक्ट्स भी करते हैं बट वो बी ओ टी एन हैम प्रोजेक्ट्स भी बहुत करते हैं वाटर वाले बिजनेस के अंदर इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्री में देखते हैं तो एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस विच इज़ ओ एन एम इज अ पार्ट ऑफ ई पी सी वेर कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट मेंटेन एंड मेंटेन द एसेट मार्जिन आर नॉर्मली मच हायर देन जस्ट ई पी सी तो अगर आप वी ए टेक का एग्जाम्प लेंगे तो वी ए टेक बाबा ई पी सी भी करता है एंड साथ ओ एन एम कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हैं आई थिंक ओ एन एम अभी ट्वेल्व टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ रेवेन्यूज है जो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट लेके जाना चाहते हैं नेक्स्ट थ्री टू फाइव ईयर में तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में क्या है कि इट इज़ मोस्टली सर्विसेज एंड द मार्जिनस आर मच हायर जैसे प्योर ई पी सी के अंदर टेन टू इलेवन टेन टू ट्वेल्व परसेंटेंटेंटेंटेंट मार्जिन होंगे ओ एन एम के अंदर हो सकता है ट्वेल्व टू फिफ्टीन परसेंट के अंदर भी मार्जिन हो बिकॉज इट इज मच हायर आर ओ ई एंड मच हायर आर आर ओ सी सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द ई पी सी कंपनीज ओवर है अब हम एक एक करके सारी ई पी सी कंपनीज का डिस्कशन करेंगे तो so फर्स्ट हम ई पी सी बिजनेस की डिस्कशन करते हैं बाय द नेम ऑफ वेल्स इंटरप्राइजेस एंड जो वेल्स well कॉर्प है वेल्स well लिविंग है वेल्स वन इंटरप्राइजेज है ऑल ऑफ दिस बिलोंग टू द सेम ग्रुप तो जब हम वेल्स well इंटरप्राइजेस का डिस्कशन करते हैं तो आई थिंक आज का करंट पी रेसियो थर्टीन टाइम्स के आस है सो so, कंपनी की एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि कंपनी ऑलवेज गोज फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स तो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं ई के अंदर वो ये पिक कर रहे हैं नॉट गोइंग फॉर सिंपल वनीला प्रोजेक्ट्स सो दिस इज अ पार्ट ऑफ़ द स्ट्रैटी ऑफ द कंपनी डाबे हायर इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी हो एंड दे आर कंफर्टेबल विथ बोथ ई पी सी एंड ऑल्सो हैम एंड बी ओ टी तो इनके हाइब्रिड uh, एनिटी uh, जो uh, जो मॉडल uh, वाले प्रोजेक्ट्स है वो भी है इस टाइम पर बैलेंस शीट पर एंड इसके साथ साथ कंपनी क्या करती है कि कंपनी बेसिकली यही कहती है कि इट डिप्लॉयज द राइट बिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है फिर कंप्लीट कंप्लीट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट फिर एसिड की मॉडराइजेशन होती है अगर एसिड इनकी बैलेंस शीट पर And the company keeps basically diversifying. The company is not only into water, it is also present into the road sector. So, today the company's order book is 8,500 crores. 8,500 crores. The order book 66% of order book is, of the order book is the water projects. And 34% of the order, book, the, company's order the order book that comes from the road projects. So, see an interesting thing that the margins over a long period of time were between 10-11%, even single digit sometimes. But currently, this quarter, the margins have gone to 18%. सो दिस वर वन ऑफ मार्जिनस बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट दे हैड इसके साथ साथ एफ आई ट्वेंटी फाइव की अगर हम कंपनी की गाइडेंस देखते हैं तो कंपनी इज गाइडिंग फॉर नियरली ट्वेंटी परसेंट ग्रोथ ऑन टॉप ऑफ थ्री थाउजेंड करोर्स ऑफ रेवेन्यू डट दे माइट डिलीवर इन एफ आई ट्वेंटी फोर एंड उस पर इनका जो मार्जिन का गाइडेंस है अगर हम चेक करते हैं बिकॉज मार्जिन गाइडेंस ऐसी कंपनीज में चेक करना बहुत ज़रूरी है तो कंपनी का जो मार्जिन गाइडेंस है डट इज़ बिटवीन थर्टीन टू फोटीन परसेंट एंड दिस ईयर वॉज एक्सेप्शनल एफ आई ट्वेंटी फोर वॉज एक्सेप्शनल अगर हम याद देखें Because they had uh, like they have settled the claims and they could basically reverse certain cost items. So this is the reason why this year was basically better for them. तो इस कंपनी के अंदर what इज़ देयर टू ट्रैक कि कंपनी की ऑर्डर बुक कैसे एग्जीक्यूट होती है क्योंकि कंपनी का अगर हम मार्केट कैप टू ऑर्डर बुक अभी भी देखते हैं तो मार्केट कैपिटाइजेशन कंपनी का 4770 करोड का और ऑर्डर बुक कुछ 8500 करोड़ की है एंड इन टर्म्स ऑफ कंपेरिजन टू अदर ई पी सीज विद इन द सेम प्लेस इनके कैश्लोज लुक रियली इंटरेस्टिंग मेरे कैश फ्लो लास्ट टू ईयर के काफी इनके अच्छे आए हैं इन्होंने मिशिगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड करके भी एक कंपनी को होली ओन सबसिडी बनाया है दट कंपनी इज इन टू टनलिंग प्रोजेक्ट्स वो कंपनी स्पेशली जो टनलिंग प्रोजेक्ट्स है उस उसमें स्पेशलाइज करती है सो दिस इज वॉट वेल्स पर इंटरप्राइजेज इज ऑपरेटिंग इन टू दिस इज द वैल्यू चेन दे आर ऑपरेटिंग इन टू दैट इज वाटर प्रोजेक्ट्स सेकेंड इज रोड प्रोजेक्ट्स एंड फाइनली न्यू सब्सिडी के थ्रू थ्रू इन टनलिंग प्रोजेक्ट्स

माने वर्किंग कैपिटल कंपनी का ऑलमोस्ट सिक्स टू सेवन मंथ्स के आसपास जो डेज हैं स्ट्रेच हो गए थे लार्जली ड्यू टू ट्रेड रिसिवर्स फ्रॉम ए पी जेनको एंड टी एस जेनको तो माने कंपनी ने पहले पावर प्लांट के प्रोजेक्ट्स लिए थे ट्वेंटी इलेवन ट्वेंटी ट्वेल्व में विज द कंपनी अंडर अंडरटोक एंड ये uh, ये जो प्रोजेक्ट्स है जो पार्टनर्स कंप्लीट नहीं कर पाए टाइम पर तो कंपनी ने ऑलमोस्ट टू नाइन्टी करोड का राइट ऑफ ए पी जेनको का लिया एफ आई ट्वेंटी थ्री में तो अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं एफ आई ट्वेंटी थ्री की या इनकम स्टेटमेंट देखते हैं तो आपको अदर इनकम के एक एक्सेप्शनल लॉस आइटम देखेगा दिस वॉज बिकॉज ऑफ द राइट ऑफ वेल आर्बिट्रेशन ने इनके फे, जो जो, फे, जो फेवर में रूल करा कि येस जो कंजॉर्टियम पार्टनर है उसने यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं करी थी विधेज जो टी एस जेन को है वहाँ से वन फोर्टी करोड्स के आसपास का रिसीवल है विज द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव सून सेकेंडली इंटरेस्टिंग थिंग क्या कि कंपनी का जो रिटेंशन मनी है तो कंपनी बिकॉज uh, जब भी हम ई पी सी बिजनेसिस की बात करते हैं तो एक रिटेंशन मनी का कॉन्सेप्ट आता है कि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक पैसा रिटेन रहता है एंड दिस लीड्स टू अगेन वर्किंग कैपिटल इशूज तो एफ आई ट्वेंटी के अंदर कंपनी uh, क्योंकि पैंडेमिक आया तो पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स डिले हो गए सो दिस लेड टू अगेन वर्किंग कैपिटल इशूज फॉर द कंपनी राइट तो जो रिटेंशन बनी थी इट गॉट स्ट्रेच्ड टू ऑलमोस्ट सेवन थर्टी करोड्स इन एफ आई ट्वेंटी थ्री एंड एज बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन डिले हो गया बट एज एग्जीक्यूशन पिकअप हुई है प्रोजेक्ट की इट हैज़ कम बैक टू बेसिकली बींग नॉर्मल एंड कंपनी ने अभी टूनिशिया और कतार वाला प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करा है एंड साथ साथ जो इनके uh, रिसिवल डेज की ट्रोजेक्ट हुई है डेट इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग राइट एंड साथ साथ कंपनी ने क्या करा है कि जो इनके हैम एसेट्स थे उनका जो उनका जो मोनेटाइजेशन है कंपनी उस पर भी इस टाइम पे काम कर रही है राइट right? तो जो हाइब्रिड आइनोटी मॉडल वाले एसेट्स हैं उनके मोनेटाइजेशन पे भी अभी कंपनी काम कर रही है इस वजह से अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट पे आपको देखेगा ओवर लास्ट थ्री इयर्स डेट का नंबर रिड्यूस हो रहा है एंड मैनेजमेंट यहाँ पर वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट की बात कर रही है So, VA Tech is almost a hundred-year-old business, and they are one of the top five companies in the world when it comes to water treatment and uh, de and desalination projects also. So, desalination can be top five, mein, whereas wastewater treatment can be a company hai. But one of the cons of the business is ki it is spread across a lot of countries. So internationally we are spread out, hai, India may be so moving parts of businesses, mein rehte. this is something that you must understand. पर यहाँ पर अभी कंपनी में क्या हुआ है कि कंपनी ने एक और ट्रांजिशन करा है अपने बिजनेस के अंदर कि जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन है जो ई बिजनेस है उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है उसमें लोएस्ट मार्जिन है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड डिज़ाइनिंग में हाइस्ट मार्जिन रहते हैं एंड साथ ओ एन के अंदर मार्जिन काफ़ी ज्यादा है तो कंपनी की इस टाइम पे जो ऑर्डर बुक है डट इज़ क्लोज टू इलेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड क्रोर्स की एंड इनकी जो ऑर्डर बिड की जो पाइपलाइन है डैट इज़ क्लोज टू वन बिलियन डॉलर्स की तो कंपनी का हिस्टोरिकली बिड का विन रेट कितना रहा कि अगर मैं वन बिलियन डॉलर के ऑर्डर्स के लिए बिड कर रहा हूँ तो बि विन रेट कितना रहता है तो उन्होंने कॉन कॉन में बताया आंसर इज़ समवेर बिटवीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ऑलमोस्ट वन फिफ्थ और वन फोर्थ चांसेज है दैट दे माइट एंड ऑफ विनिंग ऑर्डर्स एंड कंपनी का गाइडेंस ग्रोथ के लिए फ़िफ्टीन टू एटीन परसेंट के आसपास का है तो मार्जिन यहाँ पे कंपनी के क्यों इंप्रूव हो रहे हैं बिकॉज जैसे जैसे ई पी सी कॉन्ट्रैक्ट्स की जगह ई एन बी कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं एंड जो ओ एन एम कॉन्ट्रैक्ट सब ज़्यादा करते हैं तो डैट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन मार्जन्स ओ एन एम आई थिंक अभी फिफ्टीन परसेंट ऑफ रेवेन्यूज है जो कंपनी ट्वेंटी फाइव परसेंट के लिए बोल रही है नेक्स्ट थ्री टू फाइव ईयर में हो जाएंगे एंड अगर हम ऑर्डर इनटेक वे के अंदर भी देखते हैं तो एट्टी परसेंट इनके जो इस टाइम पे ऑर्डर्स है ई पी सी बजनेस में ट्वेंटी परसेंट ऑपरेशन एंड मेटेनेंस में इंडस्ट्रियल uh, सेगमेंट से थर्टी वन परसेंट ऑर्डर आ रहे हैं जो म्यूनिपल सेगमेंट से सिक्सटी नाइन परसेंट आ रहे हैं इंडिया से जो इनका ऑर्डर इनटेक था फोर्टी वन परसेंट का था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ऑलमोस्ट फिफ्टी नाइन परसेंट के आसपास ऑर्डर इनटेक है सो सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट दे आर डूइंग तो चेन्नई के अंदर जो डी सेलिनेशन प्रोजेक्ट है बेसिकली दिस कंपनी इज डूइंग एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट दैट प्रोजेक्ट विल बी अनदर इंटरेस्टिंग वन कि चेन्नई के अंदर अगर आप डी सेलिनेशन हैं सो हाउ सी वाटर कैन बल्सो यूज सो दिस इज वॉट दिस बिजनेस इज डूइंग पर यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स क्या आते हैं पहला रिस्क फैक्टर्स तो आते हैं यार हिस्टोरिकली दिस बिजनेस हैज़ बीन वेरी वर्किंग कैपिटल हैवी बिजनेस तो वेदर दैट विल चेंज सस्टेनेबली और नॉट कि अगर आप ई एन बी कॉन्ट्रैक्ट्स और करें ओ एन एम कॉन्ट्रैक्ट्स और करें तो वेदर इट विल चेंज सस्सटेनेबली और नॉट दट इज़ अ की क्वेश्चन टू ट्रैक फॉर अ लॉर्ड ऑफ पीपल हुर स्टडिंग दिस बिजनेस एज ए स्टैंडर्ड डिस्कलेमर आई डोंट ओन एनी ऑफ दिस बिजनेसिस जो हमने भी डिस्कस करें बिकॉज आर आइडिया इज टू स्टडी द इंडस्ट्री सेकेंड की रिस्क फैक्टर क्या है कि मूविंग पार्ट्स बहुत सारे हैं बिकॉज द कंपनी स्प्रेड अक्रॉस जोग्राफीज एंड स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द की फैक्टर्स टू ट्रैक बट यहाँ पे ओवर द लास्ट टू थ्री ईयर्स बैलेंस शीट के अंदर इम्प्रूवमेंट जरूर दिखिए सो दैट इज समथिंग दैट पीपल मस्ट ट्रैक इंडिपेंडेंटली तो अगर हम इस ईयर के अंदर देखते हैं इस ईयर के अगर इस कंपनी के जो जो फाइनेंशियल्स को एक बार हम देखते हैं तो कंपनी का जो नाइन मंथ के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी था दट वाज क्लोज टू 173 सेवेंटी थ्री के आसपास सो so पूरा ईयर टू ट्वेंटी टू टू थर्टी करोड्स के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा एंड कंपनी का जो भी मार्केट कैपिटेशन है इस क्लोज टू सिक्स थाउजेंड सो बेसिकली पी रेशियो अगर हम एफ आई के बेसिस पे देखते हैं जस्ट बाय अगर हम क्यू को क्यू से बेसिकली नॉर्मलाइज कर लेते हैं तो पी ई रेशियो इस कंपनी का आज ऑलमोस्ट ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी सेवन टाइम्स के बीच में पी ए रेशो रहेगा इस कंपनी का सो डैट इज समथिंग डैट यू हैव टू बेसिकली स्टडी इंडिपेंडेंटली वेदर द बिजनेस कैन ग्रो और वेदर द बिजनेस कैन फिक्स इट्स पास्ट इशूज और नॉट बिकॉज सेगमेंट के अंदर तो अभी सनराइज सेक्टर है तो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स इस बिजनेस के हैं अब हम चलते हैं टुवर्ड्स तो द नेक्स्ट वन दैट इज अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ आईटीडी सीमेंटेशन तो आईटीडी टी के केस के में इट इज एन एम एन सी राइट था बेस्ड एमएनसी एंड कंपनी के नाइन्टी वन पॉइंट फोर परसेंट रेवेज़ इंडिया से आते हैं करंट ऑर्डर बुक इस कंपनी की ट्वेंटी थाउजेंड एट ट्वेंटी फाइव करोज की है एज कंपनी का अगर हम करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो कई लोग ये मेट्रिक ट्रैक करते हैं इट इज़ सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड टू करोर्स सो ऑलमोस्ट थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू टाइम्स मार्केट कैप टू ऑर्डर बुक पे अभी ये बिजनेस है तो इनके इस बिजनेस में इंटरेस्टिंग है कि जो मेरीटाइम स्ट्रक्चर्स हैं डेट इज थर्टी टू परसेंट ऑफ दर्डर बुक वेर एज हाइड्रो एंड डैम्स आर टेन परसेंट ऑफ देर ऑर्डर बुक एंड वाटर एंड वेस्ट वाटर इज़ टू परसेंट ऑफ देयर ऑटर बुक तो कंपनी जो भी मैरी टाइम स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे uh, जे, जेटीज़ होगी जै, साथ, -साथ जेटीज़ के अलावा जैसे टर्मिनल्स हो गए राइट टर्मिनल्स uh, के अलावा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कंपनी वैसे टनल्स uh, के अंदर भी काम करती है माइक्रो टनलिंग में भी काम करती है एंड सिविल वर्क फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट एंड जो सीवरेज प्लांट्स है इनके दर, इन इनके अंदर भी काम करती है सो दिस इज़ वॉट द कंपनी डज सो कंपनी काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स लेती है अगेन इट इज़ इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट दे क्लेम दैट बेसिकली डिफ्रेंशिएट्स एम एंड कंपनी के जो मार्जिनस है दे रिमेन बिटवीन एट टू नाइन परसेंट तो अभी लास्ट टू क्वार्टर से मार्जिन टेन टेन परसेंट के आसपास भी हुए बिकॉज अगेन रॉ मटेरियल प्राइसिस सॉफ्ट एंड एंड कंपनी की जो ऑर्डर बुक है डट अगेन प्रोवाइड अ लॉर्ड ऑफ बेसिकली रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर देम फॉर नेक्स्ट टू टू थ्री ईयर्स अगेन स्टैंडर्ड ई पी सी रिस्क है इस बिजनेस के अंदर भी कि इट्स अट्स अ कॉन्ट्रैक्टर तो ये लोग एसिड्स को बैलेंस शीट पर लेकर बाद में मोनिटाइजेशन के लिए नहीं जाते राइट जैसे बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं तो इट्स अ प्योर ई पी सी कॉन्ट्रैक्टर दिस इज़ वाई मल्टीपल्स आर ऑल्सो हायर फॉर दिस बिजनेस सो ऐसे बिजनेस में सिर्फ ग्रोथ को ट्रैक करना है एंड जो बिड की पाइपलाइन है उसको ट्रैक करना है और कितना इनका न्यू ऑर्डर इनटेक होता है दैट इज़ ऑन ऑफ द की मेट्रिक्स टू ट्रैक सिमिलर केसेज में एक एन सी सी करके कंपनी आती है विच इज़ अ विच इज अगेन एक्सट्रीमली डाइवर्सिफाइड तो इट इज़ लाइक जैसे एल एन टी देखते हैं तो एल एन टी भी बहुत डाइवर्सिफाइड है एन सी सी के केस में ऑलमोस्ट uh, जो इनकी ऑर्डर इनफ्लो इस नाइन मंथ में हुआ है तो फिफ्टीन परसेंट इनका वाटर एंड रेलवे से हुआ है बेरज नाइन मंथ रेवेन्यू देखते तो फिफ्टीन परसेंट वाटर एंड रेलवे से तो ये वाटर एंड रेलवेज दिखाते सिर्फ वाटर नहीं दिखाते बट ये काफ़ी सारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी इस टाइम पे कंपनी कर रही है तो वाटर के अंदर एन क्या करते हैं अगेन एन सी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अंडरग्राउंड ड्रेनेजेस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और जो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं एन सी सी सिमिलर टू आई टी डी सीमेंटेशन हैज दिस मार्जिन का थिंग कि अगर आप लाइक लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में देखेंगे तो मार्जिन और एन सी हैव बीन ऑलवेज बिटवीन एट टू टेन परसेंट टाइप इस क्वार्टर में टेन परसेंट थे उससे पिछले क्वार्टर में सिक्स परसेंट थे बिकॉज ऑफ वन ऑफ तो दीज टाइप ऑफ बिजनेस वेदर इट्स एन आई टी डी एन सी सी जो प्योर ई पी सी कॉन्ट्रैक्टिंग में चाहे वो आलू वाले कॉन्ट्रैक्टर्स क्यों ना हो दीज द टाइप ऑफ बिजनेस वेन मार्जिन बिटवीन नाइन टू टेन परसेंट तो अगर रॉ मटेरियल प्राइस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ते हैं तो इनको मार्जिन प्रेशर ऐसे बिजनेस को आ सकता है बट एन सी सी भी आज ऑर्डर वो ऑलमोस्ट फिफ्टी सेवन टू फिफ्टी एट थाउजेंड करोड्स की है ज एन सी सी का अगर जो मार्केट uh, uh, so कैपिटाइजेशन है इस टाइम पे फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स सेवन हंड्रेड करोर्स के सो आई थिंक ऑलमोस्ट अगेन मार्केट कैप टू ऑटो बुक पे थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव टाइम्स के आसपास है सो दिस इज विद मोस्ट ऑफ द वाटर ईपीसी बिजनेसिस एक ओम uh, इन्फ्रा करके भी कंपनी है इसके अंदर बट अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी सो यू एंड दट प्योरली इज इन टू बेसिकली वाटर प्रोजेक्ट्स तो वो भी आप बिजनेस इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं बट मैंने आपको फ्रेमवर्क दे दिया कि एक वाटर ई पी सी बिजनेस इसको आपको पढ़ना कैसे

सेकेंड पार्ट ऑफ बिजनेस है डैट इज़ फॉर केमिकल्स अब केमिकल बिजनेस इनका बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है रीजन भी बिकॉज इनका जो केमिकल बिज़नेस है दैट इज़ अ हंड्रेड परसेंट और नाइन्टी फाइव परसेंट प्लस रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड बिजनेस डैट इज़ वन थिंग टू रिमेम्बर सेकंडली जो इनका केमिकल बिजनेस है इट हैज़ हैड मोर देन ट्वेंटी परसेंट इविट मार्जिन फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स अगर आप इनके जो जो इनका केमिकल बिजनेस का अगर आप इविट मार्जिन यहाँ पर चेक करते हैं तो इट हैज बीन अबउ ट्वेंटी परसेंट फॉर द लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर लास्ट टू क्वार्टर्स के अंदर भी देखते हैं जब पूरी केमिकल इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ पेन इवन इन लास्ट टू क्वार्टर्स द बिजनेस हैज बीन अबव ट्वेंटी परसेंट इवेंट मार्जिन इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं केमिकल्स के अंदर करते गए तो वैन इट कम्स टू समथिंग बाई द नेम ऑफ रीजन तो जो जो बेसिकली रीजन्स होते हैं अगेन वो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है तो रीजन्स में इस कंपनी का इंडिया में फोर्टी परसेंट मार्केट शेयर है उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सो दे ऑल्सो मेक प्रोडक्ट्स लाइक लो प्रेशर आर ओ मेबरेन एंड जो भी आपके फाउलिंग रेजिस्टेंट मेम्ब्रेन्स होते हैं तो अगेन इंडस्ट्रियल परपजेस के लिए यूज़ होते हैं तो जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं उस कंपनी में भी इस कंपनी का ऑलमोस्ट काफ़ी हाई मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर आई थिंक ऑलमोस्ट अ अनोपली तो नहीं बट अगेन अ वेरी डोमिनेंट प्लेयर इन दिस सो विद इन द केमिकल बिजनेस द कंपनी करेंटली वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स में भी है एंड कंपनी इस टाइम पर एक्सपेंशन कर रही है कितना एक्सपेंशन कर रही है तो कंपनी नियली टू सेवेंटी फाइव करोड्स का एक्सपेंशन कर रही है जिसपे टू टाइम्स एसिड टर्न बनता है तो वहाँ फाइव फिफ्टी करोड्स तक की सेल हो सकती है अभी टोटल केमिकल बिज़नेस की सेल सिक्स हंड्रेड टू सिक्स ट्वेंटी करोड्स के आसपास की है तो इन द हायर मार्जिन बिजनेस कंपनी इस टाइम पर कैपेक्स कर रही है वेराज कंपनी का जो इंजीनियरिंग बिजनेस है तो यहाँ पे यूपी से इनको एक लार्ज ऑर्डर मिला हुआ है जो यूपी जल जीवन निगम है वहाँ से अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं तो सिक्सटी परसेंट इंजीनियरिंग बिजनेस है थर्टी परसेंट केमिकल बिजनेस है और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिजनेस इस टाइम पे टेन परसेंट है तो कंपनीज़ फाइड फॉर मोर देन फिफ्टी पैटर्ट्स जो इनके क्रेडिट पे हैं हंड्रेड प्लस प्रोडक्ट्स कंपनी ने अभी तक कमर्शलाइज करें एंड कंपनी इज प्रेजेंस इन अफ्रीका जपान मिडिलस्ट रशिया साउथ ईस्ट एशिया यूरोप यूके के यू एस कैनेडा एंड अदी अदर न्यूबिंग कंट्रीज़ तो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू कंपनी का ट्वेंटी थ्री परसेंट के आसपास है वेराज डोमेस्टिक सेल्स है सेवेंटी सेवन परसेंट के आसपास इस कंपनी का रेवेन्यू है और भी अगर हम देखते हैं तो केमिकल सेगमेंट में कंपनी ने मार्जिनस को मेनटेन करें वाज जब होटल ऑर्डर बुक देखते हैं कंपनी की तो टोटल ऑर्डर बुक कंपनी की आज थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थ्री करोड़ की है तो इस कंपनी की जो बिड पाइपलाइन है दट इज़ फॉर एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स करोड्स ओवरऑल मार्जिन कंपनी के डिप्रेस के हो जाते हैं तो अभी ट्वेल्व पॉइंट वन फाइव परसेंटेज का मार्जिन है अगर नाइन मंथ एफ आई ट्वेंटी फोर में देखते हैं ओवरऑल मार्जिन क्यों डिप्रेस होते हैं इन स्पाइट ऑफ केमिकल बिजनेस बिंग सच आई मार्जिन बिजनेस रीजन भी बिकॉज जो इनका बेसिकली uh, इंजीनियरिंग का बिजनेस है दैट इज ई पी सी वाला बिजनेस तो ई पी सी बिजनेस में इनके जो मार्जिन प्रोफाइल है दट वेरी इज बिटवीन सिक्स परसेंट टू इलेवन परसेंट अभी नाइन परसेंट के आसपास है So basically, one business which is very high, rosy, and high margin in nature, so overall consolidated margins get depressed because of the EPC business. Whereas EPC business may be in ROC hai, that is more than 20%. So again, this is one of the capital good companies which is there. So currently PE multiple in 40 times. Ka एंड केमिकल बिजनेस में वापस बड़ी स्ट्रॉग ग्रोथ आई है तो कंपनी की गाइडेंस क्या है तो कंपनी इज गाइडिंग फॉर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ग्रोथ इन इंजीनियरिंग बिजनेस एंड टेन परसेंट ग्रोथ इन केमिकल बिजनेस एंड केमिकल बिजनेस में इन्होंने एक पोर्चुगीज एंटिटी को भी अक्वायर कराइ टू एंटर द यूरोपियन मार्केट सो दिस इज वन ऑफ द बिजनेस डेफिनेटली जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड प्रोफाइल वर्स इज अदर वॉटर इन्फ्रा प्लेयर एज ऑफ नाउ सीम्स टू बी मच हायर एंड मच सुपीरियर सो दिस इज वन ऑफ द बिजनेसिस दट वी आर ऑल्सो ट्रैकिंग एज अ स्टैंडर्ड डिस्कलेमर आई डोंट ओन द बिजनेस अगेन अनदर बिजनेस दैट कम्स इज़ अ बिजनेस बाय द न्यो ऑफ थर्मैक्स तो थर्मैक्स भी यहाँ पे एक बिजनेस है बट थर्मैक्स इज एन एम जो बहुत सारे मल्टीपल डिविजन में काम करती है थर्मैक्स की जो आज की ऑर्डर बुक है ऑलमोस्ट एट नाइन थाउजेंड करोड़ से ज़्यादा की जो ऑर्डर बुक है उसमें वन थाउजेंड करोड़ की ऑर्डर बुक इज ऑन द वॉटर साइड तो वाटर साइड में कंपनी क्या करती है कुछ इंटरेस्टिंग इस टाइम पर काम कर रही है सो so, कंपनी uh, अगर आप कौन कॉन से देखेंगे तो कंपनी इज़ वर्किंग इन द अल्ट्रा प्योर वाटर फॉर फार्मा नीड्स फूड एंड बेवरेज नीड्स सेमी नीड एंड इवन फॉर मैनुफैक्चरिंग सर्विसेज राइट्स जहाँ जहाँ पे भी अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए वहाँ वहाँ पे, पे कंपनी इस टाइम पे अपनी ऑर्डर बुक बिल्ड कर रही है एंड uh, अल्ट्रा प्योर एज अ टेक्नोलॉजी दे डेंट हैव तो उन्होंने पार्टनरशिप पार्टनरशिप और एक्विजीशन करा ऑफ टी ए ड्यू टू विच दे डेवलप द केपेबिलिटी विच क्रिएट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर देम एंड टी ए की केपेबिलिटी ले कर के, बेसिकली ये अपने कस्टमर्स को क्रॉस सेल भी कर सकते हैं एंड दिस इज़ ए टेक्नोलॉजी डट दे एव एडेड तो ओवरऑल ऑर्डर बुक में भी टेन परसेंट ऑर्डर बुक इनकी वाटर सेगमेंट से आ रही है बट इनका काफ़ी बिजनेस वाटर से नहीं आता तो इसलिए मैंने जब एक बहुत ब्रीफ डिस्कशन करा कि यहाँ पे आपका थर्मैक्स क्या करता है इसके बाद हम थर्ड बिजनेस की तरफ चलते हैं जिसका नाम है जैश इंजीनियरिंग एंड फोर्थली हम डब्ल्यू बी आएल का डिस्कशन करेंगे तो हम आते हैं टूवर्ड्स कैपिटल आदमी स्पेस में ऑन ए कंपनी मा देने में जांच इंजीनियरिंग तो जांच इंजीनियरिंग क्या बनाती है सो दे एक वॉटर इंटेक सिस्टम है कोवर स्क्रीनिंग इक्विपमेंट एंड फाइन स्क्रीनिंग इक्विपमेंट तो जितने भी वेस्ट वाटर प्लांट्स हैं या डिसिनेशन में हो गया यहाँ तक यहाँ तक जो स्ट्रॉन्ग वाटर आ जाता है जैसे अभी जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं दुबई का तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन हुई तो वहाँ का जो सीवेज पाइपलाइन है तो डैट बेसिकली नॉट रेन डाउट तो वहाँ पर भी जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं लाइक जो कैपिटल गुड्स यूज होते हैं सो तो दे आर प्रोडक्ट्स लाइक ओपन चैनल गेट्स वे आर यूज फ्लैप गेट्स यूज होते हैं डाउनवर्ड ओपनिंग जो वेयर गेट्स हैं ये, ये यूज होते हैं एंड जो पेन स्टॉक्स गेट्स होते हैं ये भी यूज होते हैं एंड जो स्टॉप लॉक्स होते हैं इनका भी बहुत यूसेज होता है टू बेसिकली कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर दीज थिंग्स आर यूज राइट तो बल्क हेड स्लाइड गेट्स भी देखेंगे रोलर गेट्स भी देखेंगे सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर यूज टू स्टेम द फ्लो ऑफ वाटर तो सिक्सटी वन परसेंट रेवेन्यू जांच इंजीनियरिंग का गेट से आता है बाकी 15 टू 20 परसेंट स्क्रीनिंग जो स्क्रीनिंग इक्विपमेंट है इससे इनका रेवेन्यू आता है एंड जितने भी वेस्ट वाटर प्लांट्स हैं उनके अंदर इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं तो इनके लिए मार्केट साइज क्या है तो इनके लिए टोटल एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में ज़्यादा बिजनेस करते हैं जैसे यूएस हो गया यूके हो गया इंडिया हो गया सो इनके लिए टोटल साइज ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी क्लोज टू टेन टू फिफ्टीन थाउजेंड करोड के आसपास है और भी क्या इक्विपमेंट बनाते हैं अगर आप यहाँ देखेंगे तो ट्रैश रैक एंड एंड जो बेसिकली गेट वेल्स होते हैं ये, ये कंपनी बनाती है एंड साथ जो स्पेशल पर्पज वेल्स है ये भी बनाती है सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बिजनेस जो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं इसका रीजन क्यों है क्योंकि देखिए कैपिटल गुड में दो टाइप की कंपनीज होती हैं कैसी कैसी कंपनीज होती हैं कैपिटल गुड्स में एक कंपनी होती है जो सबको कैपिटल गुड्स बना के देती है और एक कंपनी होती है जो कैपिटल गुड्स को कस्टमाइज uh, करके बना के देती है तो इंजीनियरिंग कस्टमाइजेशन के अंदर ज्यादा है तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रोसेस इक्विपमेंट्स भी ये बनाते हैं राइट सो अगेन दीज आर यूज इन वेस्ट वाटर प्लांट्स डैम्स के अंदर यूज होते हैं अगेन टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर हाइड्रो पावर के अंदर यूज होता है सो अगेन दे मेक कस्टमाइज्ड इक्विपमेंट्स सो so, यहाँ पे अगर इनकी ऑर्डर बुक देखते हैं तो अभी 851 करोड़ के आसपास की है तो डेट इज़ एज ऑफ फर्स्ट फेब्रवरी 2024 ट्वेंटी फोर एंड एज ऑफ फर्स्ट अप्रिल कंपनी ने 500 हंड्रेड करोड्स का रेवेन्यू क्रॉस करा है फर्स्ट टाइम सिंस इट्स हिस्ट्री तो इनकी एक सब्सिडरी भी है यूएस में रॉडनी uh, हंट के नाम से तो रॉडनी हंड भी अभी प्रॉफिटेबल होगी जो इनकी सब्सिडी है यूएस में एंड इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस आई थिंक इस ईयर इट हैज ग्रोन एट 50 टू 70 परसेंट एंड देर गाइडिंग की यूएस बिजनेस में 10 10 मिलियन डॉलर का एक ऑर्डर मिल रहा है अभी इनको इस टाइम पे क्योंकि यूएस में इनफ्रा पे बहुत कैपेक्स हो रहा है इस टाइम पर अगर आप इनका बिजनेस देखते तो और इनके बिजनेस में दे तो आर, आर प्रेजेंट इन फोर कंट्रीज टाइट तो इंडिया यूएसए ऑस्ट्रिया हॉन्गकॉग यूके में भी इनकी एक कंपनी है जो बेसिकली स्टार्ट करें ऑपरेशन तो फाइव मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट है विद 950 फिफ्टी पीपल एंड सप्लाइंग दीज इक्विपमेंट्स टू वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज थ्रू ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स। सो बेसिकली फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स एंड द एक्सपोर्ट टू फॉर्टी फाइव कंट्रीज एंड देर अप्रूव बाई मोस्ट ऑफ द अथॉरिटीज हु यूजिंग द प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड इसके अलावा अब देखते हैं तो टोटल साइज ऑफ ऑपरचुनिटी ऐसे बिजनेस इसके लिए और कैसे बढ़ती है तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे सो ये अपने बिजनेस का टाइम एक्सप्लेन करें कि इन फ्यूचर मोर देन वेस्ट एंड वेस्ट मॉडल देर आर ट्वेंटी थ्री न्यू टाइप्स ऑफ बिजनेस विच विल भी हेल्पिंग आर ग्रो फास्ट वॉट आर दीज थ्री वन इज टाटर स्टॉम वाटर इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस रेन्स जो एनी गि टाइम ऑफ अ डे इन सिटी हो जाती है दैट रिजल्ट इन टू फ्लडिंग ऑफ द सिटी सेकेंड इज गोइंग ऑन द राइजिंग सी लेवल तो जब सी uh, लेवल बढ़ता है तो उसके लिए भी अगर इन आपको वेल्वस एंड uh, ये सारी चीजें लगानी पड़ती है तो हम वहाँ देखते हैं थर्ड इज गोइंग टू बी री यूज सो यू विल भी रिक्वायर टू री यूज अ वाटर इधर डिसेमिनेटेड और यूज और इधर बेसिकली रीयूज अ वाटर फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस तो दीज आदर थ्री एस्पेक्ट्स जो इनके फ्यूचर में ग्रोथ बढ़ा सकते हैं तो अभी इंडिया में इनका इतना कोई कॉम्पिटिशन नहीं है ग्लोबली भी इस इंडस्ट्री के अंदर तो थोड़ा कम कॉम्पिटिशन है जिसके अंदर इस टाइम तो पर ऑपरेट करें सो मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आर इन्वेस्टिंग लॉट इन वाटर इन टू देर अबिलिटी टू पम्प दिस एक्सेस वॉटर आउट ऑफ द शॉप एस्टैब्लिशमेंट इन बिजनेस विच गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो जब स्ट्रॉन्ग वाटर आता है जैसे अभी दबई में हुआ तो दुकानों के अंदर पानी को उस गया ब्र ब्रिजिज के ऊपर पानी रह गया रोड के ऊपर पानी रह गया तो उस वाटर को निकालना इस समथिंग डैट इज वेली इंपॉर्टेंट तो वहाँ पर भी एक कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है सो वैन वी टॉक अबाउट सी वाटर राइजिंग लेवल्स नाउ आई डोंट नो हाउ मनी पीपल आर अवेर ऑफ हाउ क्रिटिकल दिस सिचुएशन इज गोइंग टू बिकम सो देव गिवन एन एग्जाम्पल कि सिंगापुर इज इज एक्सपेक्टेड टू बी हंड्रेड मिली मीटर बिलो सी लेवल बाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन हंड्रेड एंड फॉर दफर देव गिवेन इक्विपमेंट इज नाइन हंड्रेड मिलियन सिंगापुर डॉलर तो विद इन सिंगापुर सिंगापुर इट सेल्फ सिक्स थाउजेंड करोड के आसपास से ज़्यादा का कीपेक्स सिर्फ सी वाटर के ऊपर या उसकी मैनेजमेंट पे होने वाला है और ये सब अभी प्लानिंग स्टेज पे है बट दिस इज द एक्सटेंट ऑफ इक्विपमेंट जस्ट रिक्वायर्ड बाय सिंगापुर सिमिलरली अगर आप इंडोनेशिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो इंडोनेशिया इज चेंजिंग लाइक देर इट्स डेवलपिंग अ न्यू कैपिटल बाय द नव ऑफ काली मंथन एंड देर गोइंग टू चेंज द कैपिटल फ्रॉम जकार्ता बिकॉज बाई ट्वेंटी थर्टी इज इट इज एक्सपेक्टेड की जकार्ता विल बी अंडर वन फीट ऑफ वाटर सो फॉर रीयूज डिसेमिनेशन एंड बेसिकली फॉर स्टॉम वॉटर्स सिटीज है प्रिपेरिंग सो सी वाटर इज डाउन द लाइन बट दिस इज द कंकरेंट सो नेक्स्ट थ्री टू फोर ईयर्स में मेनी ऑफ द सिटीज विल बी इन्वेस्टिंग इन टू ऑल ऑफ दिस सो दिस इज अ बिजनेस दट इज़ फोकस्ड ऑन सच टाइप ऑफ टेलवेंट्स एंड देर एक्सपीरियंसिंग दिस टाइप ऑफ टेलवेंट्स अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं आज ट्वेंटी टू हंड्रेड एंड एटी फोर करोड्स के ट्रेनिंग ट्वेल्व मंथ पी रेशो थर्टी सेवन टाइम्स की है विकॉज uh, कंपनी ने इस साल की गाइडेंस दी है फाइव फिफ्टीन टू फाइव ट्वेंटी करोड़ टॉपलाइन की तो अभी क्वार्टर फोर इनका हमेशा बेस्ट होता है बिजनेस में सीजनलिटी के हैं क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू जो होते हैं उसके अंदर थोड़े मार्जिनस और रेवेन्यू कम होते हैं बिकॉज द सीजनल बिजनेस सो लेट्स सी हाउ इट गोज बिकॉज इनका यू एस बिजनेस भी टर्न अराउंड हो गया एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी अच्छे मिल रहे हैं और अभी एट फिफ्टी करोड्स की ऑर्डर बुक भी, भी इस बिजनेस की हो रखी है एंड इनकी ऑर्डर पाइपलाइन बढ़ती ही जा रही है एंड इनका के खत्म हो रहा इनके पास केपेबिलिटी टू डू वन थाउजेंड करोड ऑफ टॉप लाइन आ जाएगा एंड दिन मार्जिन विल ऑल्सो एक्सपैंड एज पर मैनेजमेंट गाइडेंस कि फोर्टीन परसेंट पैट मार्जिन बिजनेस बन सकता है सो दिस इज विद जास्ट इंजीनियरिंग एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिजनेस जो मैंने अभी पढ़ा uh, मतलब इस पूरी इंडस्ट्री में इन एज अ स्टैंडर्ड डिस्कलेमर आई डोंट ओन द स्टॉक मैं भी आपके साथ स्टॉक्स लाइव फिल्टर कर रहा हूँ आते हैं कंपनी है डब्लू पी आई लिमिटेड के नाम से तो ये पम्प्स के अंदर है किस टाइप के पंप्स में इरीगेशन के अंदर है सो लार्ज लिफ्ट इरीगेशन नेटवर्क टू प्रोवाइड सरफेस वाटर टू फार्मर्स एंड मोर ऑल इंस्टॉलेशन फॉर ग्राउंड वाटर टू स्मॉलर फार्मर्स तो न्यू पाइप इरीगेशन स्कीम्स फॉर मोर एफिशेंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर तो इरीगेशन के अंदर इसके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं इंडस्ट्रियल में होते हैं म्यूनिसपाली में होते हैं डेट इज वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सोल्यूशन फॉर रूरल एंड अर्बन यूटिलिटीज़ इंक्लूडिंग रॉ मटीरियल रॉ वाटर इंटेक्स ट्रीटमेंट प्लांट्स एज अ वॉज एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्कस फिर ये कंपनी कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर में भी है ऑयल एंड गैस में भी है और फायर फाइटिंग के अंदर भी है तो फायर फाइटिंग में आई थिंक देयर वन ऑफ द लार्जेस्ट जो पम्प्स होते हैं फायर फाइटिंग के उनके अंदर आई थिंक दिस वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन देर इज तो डोमेस्टिकली ऑर्डर बुक देखते हैं तो अभी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी फाइव करोड्स की है बस इंटरनेशनल ऑर्डर बुक इटली साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से मेनली आती है और अभी फोर फिफ्टी टू करोड़ की आसपास की है तो डोमेस्टिक ऑर्डर बुक इनकी काफ़ी बड़ी है एंड कंपनी uh, का वैसे ओवर व्यू देखते हैं तो कंपनी वॉज स्टार्टेड इन नाइनटीन फिफ्टी टू एंड इट हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ सेवेंटी वन ईयर इन इन डिज़ाइनिंग डेवलपिंग मैन्यूफैक्चरिंग इलेक्टिंग एंड कमिशनिंग एंड सर्विसिंग ऑफ पं पम्प एंड पंपिंग सिस्टम्स तो पंप्स और पंपिंग सिस्टम में ये कंपनी मेजरली काम करती है राइट एंड कंपनी का जो जोग्राफिकल रेवेन्यू है सिक्सटी परसेंट कम्स फ्रॉम इंडिया फोर्टी परसेंट कम्स फ्रॉम अब्रॉड दैट इज़ इंटरनेशनल मार्केट्स तो कंपनी की जो मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में डेट इज़ इन कोलकाता डेही नागपुर एंड थाने के अंदर इस कंपनी की मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है एंड अगर टोटल रेवेन्यूज देखते हैं तो इंडिया में प्रोजेक्ट बेस्ड रेवेन्यू सेवेंटी है जो बेसिकली बी या फिर गवर्मेंट डिपेंडेंस या फिर म्यूसपालिटी डिपेंडेंस तो सेवंटी रेवेन्यू वहाँ से प्रोडक्ट बेसड ट्वेंटी सिक्स परसेंट है डट इज कन्वेंशनल इंजीनियर एंड ड्रेनेज पम्प्स इंटरनेशनल फोर्टी परसेंट जो रेवेन्यू है वो इटली साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से मेनली आता है राइट right? तो इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखते हैं तो एक मेजर इंप्रूवमेंट है तो आर कंपनी का एलेवन से ट्वेंटी चला गया बिकॉज आर ओ कंपनी की इलेवन की ट्वेंटी फोर के आसपास आ गई है एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द बिजनेस विच इज देयर तो एफ आई ट्वेंटी टू एफ आई ट्वेंटी थ्री में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई बट एफ आई ट्वेंटी फोर में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं तो मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन करा कि यार हम एफ आई ट्वेंटी फोर में थाउजेंड एफ आई ट्वेंटी थ्री में थाउजेंड टू एटीन हंड्रेड करोड़ की टॉप लाइन पे आ गए थे विच वॉज लाइक टू गुड टू बी ट्रू मतलब बहुत जल्दी ग्रोथ होगी बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग गुड ग्रोथ बट मे बी इतना बंपर ग्रोथ शायद इस बिजनेस के अंदर ना है राइट सो अगेन इस बिजनेस का हम एक बार स्क्रीनर पर देख लेते हैं सो लेट मीन जस्ट टाइप डब्ल्यू पी आई एल ऑल राइट तो अभी ट्वेंटी पी रेसो पे चल रहा है एंड आई थिंक इट इज करेंटली सॉर्ट ऑफ इंट अज ट्रेंड फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ सिक्स टू सेवन मंथ से साइड वेज ट्रेंड में एंड वट मैनेजमेंट वॉज अल्यूडिंग टू की अगर आप देखेंगे कि लास्ट टू ईयर्स में बहुत बड़ा जंप आया था रेवेन्यूज में बट इस उतना बड़ा जंप नहीं लग रहा बट एफ आई ट्वेंटी फाइव में दिंग दरअ एस्पेक्टिंग गुड ग्रोथ बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर हैपन्स इन क्वार्टर फोर तो नेक्स्ट इस क्वार्टर फोर में देखते हैं कि कैसे इनकी एग्जीक्यूशन होती है ऑर्डरस की बट अगेन इट्स अ वही साइकिल बिजनेस यू सी की मार्जिन की वेरिंग विद साइक बीच बीच में जब ऑर्डर नहीं भी मिलते तो मार्जिन सिंगल डिजिट भी रह जाते हैं राइट सो दिस इज समथिंग डैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इन साइक् इन बिजनेस में साइक्लिकलिटी रह सकती है इवन दो कैश फ्लोज आर गुड रोसी इज गुड एंड ऑल्सो डेड भी थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है बिजनेस में ओवर द लास्ट थ्री टू फोर ईयर्स सो दिस इज विद जाट इंजीयरिंग एंड डब्ल्यू पी एल फिर छोटी छोटी कंपनीज भी है आई थिंक जैसे कम्बॉन्ड कैमिकल्स है टेलर मेड रिनी है बट वहाँ पर थोड़ा वैल्यूएशन हो सकता है आउट ऑफ वैक हुआ आपको इंडिपेंडेंटली पढ़ना चाहिए बट दिस इज विद कपिटल गुड्स और कम्पनीज विच आर देयर इन वॉटर ट्रीटमेंट स्पेस सो लेट्स गो फॉर्वर्ड सो इन कंक्लूजन ऑफ द वीडियो हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीखा तो हमने पहली चीज सीखी कि इस इंडस्ट्री में टॉप डाउन व्यू क्या है टॉपडाउन इतनी स्पेंडिंग की हो रही है एंड वॉट इज अड फॉर दैट स्पेंडिंग इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेकेंड चीज़ हमने क्या सीखी इस इंडस्ट्री के अंदर किस इंडस्ट्री की वैल्यू चेन क्या है एंड की बेनिफिशरीज साथ साथ कौन है इस इंडस्ट्री के अंदर थर्ड चीज़ हमने इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या सीखी पहले हमने हमने एनालिसिस करा कि जो डी आई पाइप्स वाले हैं डक्टाइल आयरन पाइप्स वाले हैं कौन कौन सी कंपनीज़ है वो कैसे बेनिफिट कर रही हैं फिर सेकंड हमने देखा वाटर ई पी वाले कंपनीज़ कौन से हैं जो ई पी प्रोजेक्ट्स कर रही हैं राइट एंड फाइनली हमने देखा कि कैपिटल गुड कंपनीज़ कौन सी हैं जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हेल्प करती हैं सो दिस वॉज द अलॉलिस ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर एस स्टूडेंट्स हमने एस मेंबरशिप के अंदर आपके लिए एक डिटेल्ड फाइनेंशियल शीट अपलोड करिए इस पूरे इंडस्ट्री एनालिसिस की विद अ टेन फिफ्टीन मिनट वीडियो जिसमें आप ये सीख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री का आप खुद फाइनेंशियल मॉडल कैसे बना सकते हैं अलॉन्ग विद हमने एक ट्रेडिंग व्यू पे आपके लिए एक सब सेक्टर का एक इंडेक्स बनाया है जिसमें आप खुद इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं कि अगर आपको इस इंडस्ट्री को एज एन इंडेक्स ट्रैक करना है तो आप कैसे ट्रेडिंग व्यू पे ट्रैक कर सकते हैं इट इज़ शेयर विद ऑल दी एस स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ एस मेंबरशिप अंडर यूट्यूब कंक्लूजन वीडियोज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इफ यू लव द व विडियो जस्ट ऑपर लव इट इन द कॉमेंट्स एंड मेरे को आप ये जरूर बताइए कि अब अगला इंडस्ट्री एनालिसिस या बिजनेस एनालिसिस कौन सी कंपनी पे चाहेंगे या कौन सी इंडस्ट्री पे चाहेंगे विद दिस सी इन द नेक्स्ट वन जय हिंद